ईश पर आशीष मंगल, चरण कमल प्रणाम है माँ। निर्झर सी है निर्मल निश्चल, निर्विकार निष्काम है माँ। सुबह बनारस सी अति सुंदर, सुखद अवध की शाम है माँ। पतित पावन सुखद सुहावन, बहुत प्यारा नाम है माँ। और जब जब उसकी ओर निहारो, लगता चारों धाम है माँ। शब्दों के साथ भैया ने जैसे कहा मेरे साथ चलिएगा, मैंने एक वर्णन करने को, जैसे मैं अभी तुतला कर बोलूं तो एक मजाक का विषय हो जाऊंगा, परंतु बचपन में हम तुतला कर ही बोल रहे थे। माँ अकेली माँ है, मेरी मान्यता है कि उसने कहा खड़े हो, बोल, चल, तो हम सीख गए सारी चीजें, चलना सीख गए, बोलना सीख गए। अगर माँ ने उस दिन मजाक करा दिया होता तो हमको बोलना, हमको चलना नहीं आता। एक आधार माँ ने देने का प्रयास किया है, वही भाव मैं खुद सब उपाय दे रहा हूँ, मैं कुछ कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा हूँ, क्या बात स्थापित करने की कोशिश की है, मेरे साथ चलिएगा। मैंने कहा माँ जहाँ बात अच्छी लगे, सहारा आपका लगेगा, क्योंकि बात आप बहुत अच्छे श्रोता है, बहुत अच्छे श्रोताओं के साथ बहुत बड़ी गलती होती कि ताली बजाने को संकोच कर जाते हैं। आप बिल्कुल मत कीजिएगा, अच्छा लगेगा, अच्छे श्रोता है, अच्छी कविता मैं आप तक पहुँचा। माँ सागर से तेरी उपमा देने, मैं खुद कह रहा हूँ, माँ सागर से तेरी उपमा देने के लिए कहता मेरा मन, परंतु उसी क्षण को ध्यान आता है और वही मन ही चक जाता है, क्योंकि सागर की गहराई तो तुझ में है और है वही धीरता, गहन गंभीरता, परंतु यह भी उतना ही सही है कि सागर के खारेपन का जरा सा विनाश तुझ में नहीं है। सागर पूरा मन और तेवर में, माँ सागर से तेरी उमा देने के लिए कहता मेरा मन, परंतु उसी क्षण को ध्यान आता है और वही मन ही चक जाता है, क्योंकि सागर की गहराई तो तुझ में है और है वही धीरता, गहन गंभीरता, परंतु यह भी उतना ही सही है कि सागर के खारेपन का जरा सा भी तुझ में नहीं। माँ तेरी दूध की मिठास सागर का सारा खारापन हो जाती है, इसलिए सागर की उपमा तेरे सामने बिल्कुल व्यर्थ हो जाती है। वाह 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 वाह। मैंने कहा सागर, मैंने माँ गगन से तेरे उपमा देने के लिए कहता मेरा मन, परंतु उसी क्षण को ध्यान आता है और वही मन ही चक जाता है, क्यों गगन का विस्तार तो तुझ में है और है कोई विशालता, निश्चल निर्मलता, परंतु यह भी उतना ही सही है कि गगन की अंतहीन दूरी का जरा सा भी अंश तुझ में नहीं है। गगन की अंतहीन तो देखेगा, गगन की अंतहीन दूरी का जरा सा भी अंश तुझ में नहीं। माँ तेरी गोद की समीपता में गगन की अंतहीन दूरी खो जाती है, गगन की उपमा करता हूँ बिल्कुल। माँ गगन, माँ माँ सागर, माँ सूरज से तेरी उपमा देने के लिए कहता मेरा मन, परंतु उसी क्षण को ध्यान आता है और वही मन ही चक जाता है, सूरज की ऊर्जा तो तुझ में है और है जन जन को जीवन देने की क्षमता, मन को छूने वाली ममता, परंतु यह भी उतना ही सही है कि सूरज की झुलसाने वाली तेज तपन का जरा सा भी अंश तुझे नहीं है, जरा सा भी अंश तुझे नहीं। माँ तेरी आंचल की शीतलता में सूरज की सारी तपन हो जाती है, इसलिए सूरज को माँ तेरे सामने बिल्कुल व्यर्थ हो जाती है। वाह वाह, मैंने तीन उपाय दी, मैंने उनको कॉन्ट्रीब्यूट किया। मित्रों एक बात जो यूनिवर्सिटी तक में पढ़वाई जा रही है, बात को शब्द को कैसे मैंने प्रयोग करने का प्रयास किया कि माँ वैसे तो कवियों की लीक नहीं है, एक बैठ जाए, एक बहुत बहुत बारीक बात रेखांकित करवाना चाहता हूँ आपके मन पर। मैंने उपमाएं दी, मैंने उसको कॉन्ट्रेडिक्ट किया, देखेगा माँ वैसे तो कवियों की लीक नहीं है, परंतु मुझे लगता है संसार के किसी भी उपमान से तेरी उपमा देना ठीक नहीं, उपमा देना ठीक नहीं। क्यों शब्द पकड़ना, क्यों? क्योंकि जैसे ही उपमा का उल्लेख आता है, जैसे ही उपमा का उल्लेख आता है, माँ इस संबोधन के सामने उपयोगसर्ग जुड़ जाता है, उपयोगसर्ग जुड़ जाता है, उपसर्ग जुड़ जाता है, उपसर्ग जुड़ने से माँ की महत्ता खो जाती है, क्योंकि माँ फिर माँ नहीं रहती, उपमा हो जाती है। माँ वैसे तो कवियों की लीक नहीं है, परंतु मुझे लगता है संसार के किसी भी उपमान से तेरी उपमा देना ठीक नहीं, क्योंकि जैसे उपमा का उल्लेख आता है, माँ संबोधन के सामने उपयोगसर्ग जुड़ जाता है, उपसर्ग जुड़ने से माँ की महत्ता खो जाती है, क्योंकि माँ फिर माँ नहीं रहती, उपमा हो जाती, माँ सेकेंडरी कैसे हो जाएगी, उपमा कैसे हो जाएगी। तो फिर मैंने कहा मेरी बेचैनी आपकी परेशानी, हम आरती
माँ के प्रति सम्मान जो रखते हो, आरती से इनका सम्मान रखते हैं, पूजा से इनका सम्मान रखते, अभिव्यक्त कैसे करें? इतनी उपाय की, इतनी कॉन्ट्रेडिक्ट किया मैंने खुद नहीं, तो मैं फिर वहां तक लेके चला हूँ आपका, एक डेढ़ मिनट मेरे साथ चलना, फिर माँ क्या है? मैंने कहा माँ एक स्पर्श है, मैं सोचता हूँ अगर स्पर्श नहीं होता तो हमें कभी नहीं आता, किसी के रिश्ते गांव को देख कर सिसके भरना, क्योंकि हम देख ही नहीं पाते, बच्चे को चोट लगने पर ममता की आंखों से आंसू का झरना, शरीर विज्ञान तो हमें सिर्फ इतना बताता है कि जैसे चोट लगती है आंसू सिर्फ उसी की आंख में आता, एनाटॉमी में कहीं लिखा नहीं साहब कि दूसरे को लगे और हम रोने लगे, अकेली माँ है, माँ एक स्पर्श है, मैं सोचता हूँ स्पर्श नहीं होता तो हमें कभी नहीं आता, किसी के रिश्ते में घाव को देख कर सिसके भरना, क्योंकि हम देख ही नहीं पाते, बच्चे को चोट लगने पर ममता की आंखों से आंसू का झरना, शरीर विज्ञान तो हमें सिर्फ इतना बताता है कि जिसे चोट लगती है आंसू सिर्फ उसी की आंख में आता, माँ है जो अपनी ममता से संवेदना के धरातल भेजना सिखाती है, शायद इसी कारण दूसरों का दुख दर्द देखकर हमें आग कर रेखांकित कर रहा हूँ माँ एक शब्द है मैं सोचता हूँ अगर शब्द नहीं होता तो सारी सभ्यता घूमी रह जाती क्योंकि हमें कभी बोलने की कला ही नहीं आती वो माँ है जिसने हमारे तुतलाते बोलों को इतनी आत्मीयता से अपनाया कि मानव बोलने की कला को सीख पाया, और माँ एक विश्वास है, मैं सोचता हूँ विश्वास नहीं होता तो हम इतने बड़े नहीं होते, अपने ही पैरों पर खड़े नहीं होते, वो माँ है जिसने हमें गिर गिर कर उठना सिखाया, उठ उठ कर चलना सिखाया, चल चल कर जो हम सभ्यता के चरम शिखर पर आए हैं, ये सारे रास्ते हमें उस माँ के ममत्व ने तो बताए हैं, मैं सोचता हूँ अगर माँ नहीं होती तो कैसे ढल पाता सभ्यता किसी भी मनुष्यता का मोती, हम अपने ही आप से अनजाने रह जाते और हमें 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 कभी नहीं मिल पाते। कविता का क्लाइमेक्स आधा मिनट मित्रों मेरे साथ चलिएगा, सारे शब्द सारे भाव सारी अभिव्यक्तियाँ एक साथ जोड़ने के एक क्षण में प्रयास किया है, आधे मिनट कविता के क्लाइमेक्स तो मेरे साथ चलिए, और हमें 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 कभी नहीं मिल पाते, हमें कभी नहीं मिल पाते, ये घर परिवार ये नहीं है दुलार, जीवन का बोध ममता की गोद, तुतलाते बोल बातें अनमोल, पुलक कर मैया लेती बलैया, मोहक खिलौने मन रक्षौने, सुरीली मैना मीठे रस बहना, चहती चिरैया काफी गौरैया, गुड्डा गुड़िया काटी माँ बढ़िया। ये घर परिवार ये नेह दुलार, जीवन का बोध ममता की गोद, तुतलाते बोल बातें अनमोल, पुलक कर मैया लेती बलैया, मोहक खिलौने मन रक्षौने, सुरीली मैना मीठे रस बहना, चहती चिरैया गाती गौरैया, गुड्डा और गुड़िया दादी माँ बुढ़िया, पलकों की छाँव मन चार ठाँव, दूध की कटोरी रस भीनी लोरी, चंदा सा मामा रिश्तों का जामा, पथोजी पाँव नानी का गाँव, नानी की बानी अनगिन कहानी, जानी अनजानी सदियों पुरानी किससे अनमोल, मीठे मृदु बोल, अरे माँ है मेरी मौन तो बोलेगा। मैं चाहूंगा एक बार भरपूर तालियां।